द वर्ड लिटरली मीन्स एन अटेम्प्ट, यानी कि शाब्दिक अर्थ से ऐसे का मतलब है प्रयास, ऐसे आज आप सीखेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एक बार, ऐसे मीन्स द वर्ड लिटरली मीन्स एन अटेम्प्ट, यानी कि शाब्दिक अर्थ से इसका मतलब है प्रयास, ऐसे का मतलब। अब कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके नोट कीजिए। टू राइट एन ऐसे यू नीड थ्री थिंग्स, ऐसे लिखने के लिए तीन चीज़ आप नोट कीजिए और उसके बाद अपना ट्राई कीजिएगा। ए द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, बी द एबिलिटी टू अरेंज द इन्फॉर्मेशन इन ए सूटेबल ऑर्डर, सी द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट क्लियरली। हिंदी में भी बता देता हूँ, एक नंबर ए में द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो जो जरूरत पड़ेगा ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। बी में स्टेप द एबिलिटी टू अरेंज द इन्फॉर्मेशन इन ए सूटेबल ऑर्डर, उस जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट किए उसका आपको सीरियली जो सूटेबल ऑर्डर है, जो इस टाइप का जरूरत है एक एक करके उसको लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट क्लियरली, और आपका ये एबिलिटी होना चाहिए, आपका ये गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, आप समर्थ इसमें होना चाहिए कि उसको एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा से क्लियरली एक्सप्रेस करने का आपका क्षमता होना चाहिए, तभी इससे अच्छा बनेगा। अब मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन एसे, एसे का तीन मेन कंपोनेंट्स है आप नोट कीजिएगा। एक है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वो पैराग्राफ पहले वाला जो इसमें इंट्रोडक्शन या कि परिचय जिस सब्जेक्ट के ऊपर लिखेंगे, जैसे आज आपको टॉपिक दिए माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड का बारे लिखेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड किसको बोला जाता है, वो किस टाइप का उनका गुण होना चाहिए, इस टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन फर्स्ट चैप्टर में लिखना पड़ेगा। बी नंबर टू द बॉडी ऑफ द एशे, एशे का बॉडी कैसे होना चाहिए, दो और तीन पैराग्राफ, दो मोर पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का बाद। ईच पैराग्राफ शुड एक्सप्लेन ए सेपरेट आइडिया रिलेटेड टू द टॉपिक, हर पैराग्राफ टॉपिक के ऊपर कनेक्टेड कोई इन्फॉर्मेशन का साथ लिखना पड़ेगा। तीन नंबर कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जो समाप्त होने के लिए इसको जा समाप्त होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका इस सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड को आप जिंदगी भर कैसे मानते चाहेंगे चलेंगे, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको कैसे इज्जत करता है उस हिसाब से उनका साथ बिहेव करता है। अब बेस्ट फ्रेंड का ऊपर ऐसे लिखने का टाइम आप एग्जाम्पल देंगे, बेस्ट फ्रेंड होता कैसे है, कैसे उसको निभाएंगे जिंदगी भर। दिस इज द एंड ऑफ द पैराग्राफ ऑफ द एसे, ये है लास्ट तीन नंबर है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। आप इसको फॉलोइंग द एबोव फॉर्मूला विद राइट एन एसे ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड का ऊपर ऊपर वाला पॉइंट का मुताबिक आप माय बेस्ट फ्रेंड का ऊपर ऐसे लिखिए। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ माय बेस्ट फ्रेंड होता कैसे है, और इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी का कहना है माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में।